साथ इस वीडियो के अंदर अब हम कुछ सांगठनिक थ्योरी हैं जिन थ्योरियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख थ्योरी है जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत। इस वीडियो के अंदर हम जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत क्या है उसको समझेंगे साथियों। जिसको हम जनवादी केंद्रीयता कहते हैं, इसके दो प्रमुख पिलर हैं, जिसमें पहले पिलर का नाम है वैचारिक केंद्रीयता, दूसरे पिलर का नाम है सांगठनिक केंद्रीयता। अब हम जो पहला हिस्सा है वैचारिक केंद्रीयता, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। वैचारिक केंद्रीयता के अंदर भी साथियों चार प्रमुख पिलर हैं, जिसमें पहला पिलर है चिंतन प्रणाली, दूसरा पिलर है इसका चिंतन की एक रूपता, तीसरा पिलर है दृष्टिकोण की एकता, चौथा पिलर है इसका एक ही उद्देश्य के लिए संघर्ष। ये चारों को मिला करके वैचारिक केंद्रीयता बनती है। इसलिए हमको वैचारिक केंद्रीयता के चारों पिलर को भी अच्छी तरीके से समझना है। अब दूसरा हिस्सा है सांगठनिक केंद्रीयता, इसको थोड़ा सा पीछे से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे जनतंत्र के अंदर काम करने का तरीका क्या होता है, सब कुछ व्यक्तिवादी होता है, जिसके अंदर व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत प्रणाली, व्यक्तिगत फायदा, व्यक्ति ही प्रमुख होगा और व्यक्ति केंद्रित सत्ता होती है। ये पूंजीवादी जो जनतंत्र है उसका ये चरित्र है, सब कुछ व्यक्तिवादी होता है। इसी तरीके से साथियों जो पूंजीवादी जनतंत्र है ये सेल्फ हेल्प पैदा करता है, व्यक्ति के अंदर भी व्यक्तिवाद पैदा करता है। तुम सिर्फ अपना सोचो, तुमको दूसरे से लेना देना नहीं है, हर व्यक्ति को सेल्फ हेल्प करता है। तो ये पूंजीवादी जनतंत्र का एक तरीका है, इसलिए वो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। RSS ने क्या कहा, एकात्मक शासन व्यवस्था चाहते हो, जिस तरीके से अमेरिका वगैरह में कि कोई देश की जनता किसी व्यक्ति को चुने, सीधा राष्ट्रपति चुने, ये जो संघीय स्ट्रक्चर है इसको वो सही नहीं मानते। तो इनका समझ क्या है कि सब कुछ एक व्यक्ति से वो कराना चाहते हैं, व्यक्ति केंद्रित सारा सिद्धांत है पूंजीवादी जनतंत्र के अंदर, इसको हमको ध्यान रखना है। अब हम जब सर्वहारा वर्ग का जनतंत्र है उसकी बात करते हैं, जिसको हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, उसके अंदर की जनतंत्र की या विचार की बात करते हैं, तो यहाँ सब कुछ सामूहिक है, सब कुछ सामूहिक है, सामूहिक मालिकाना, सामूहिक पैदावार, सामूहिक बंटवारा, सामूहिक अधिकार, तो यहाँ सब कुछ सामूहिकता है। संगठन के अंदर भी कोई भी फैसला, कोई भी चर्चा सामूहिकता से है। तो ये दो विचारों का यदि हम अंतर को समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, सब कुछ व्यक्तिगत है, व्यक्तिवादी है। दूसरा कोई मर रहा उससे उसके बारे में तुमको नहीं सोचना, तुमको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। वो जब तुम्हारी दुर्दशा होगी तो दूसरा भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है, इस तरीके का विचार देते हैं। मगर समाजवादी व्यवस्था और जो सर्वहारा का जनतंत्र है वो ये कहता है कि सब कुछ सामूहिक है। यदि हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में कोई परेशान है तो उसकी परेशानी का निकाल सबको मिलके निकालना है। यदि पूरा देश के अंदर कोई समस्या है तो सबकी समस्या है, यदि किसी की भी समस्या है वो हम सबकी समस्या है। सामूहिकता, हर जगह सामूहिकता पे जोर देते हैं। तो ये जो दो अलग अलग फर्क हैं ये समझ लीजिए कि संगठनिक तरीके से काम करने के दोनों तंत्रों के अंदर इसी तरीके के तंत्र हैं। पूंजीवादी जनतंत्र के अंदर सब कुछ व्यक्तिवादी है, व्यक्ति केंद्रित है, और समाजवादी जनतंत्र के अंदर सब कुछ सामूहिक है। इसलिए मार्क्स ने क्या कहा कि ये पूंजी है, धन है, इसको हम सामूहिक रूप से मिलके पैदा करते हैं तो सामूहिक रूप से मिलके इसका उपभोग करें। इस संपत्ति को सोसाइटी ने, समाज ने, सबने मिलके पैदा किया है, तो इससे जो फायदा होगा, इससे जो मुनाफा होगा, उस मुनाफे का सबके लिए, सबके भले के लिए उसको लगाना चाहिए। तो ये मार्क्स ने कहा। तो हमको ये समझना है कि इसी विचार से नीतियाँ निकलती हैं। इसलिए साथियों हमको ये समझना है कि जो सर्वहारा वर्ग का जनतंत्र है उसके अंदर सामूहिकता है। अब मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। तो संगठन के अंदर भी हर स्तर पर सामूहिकता है, कोई भी फैसला सामूहिकता से होगा, किसी भी तरीके का आंदोलन का जो निर्णय करने का तरीका होगा वो सामूहिक होगा। कमेटी के अंदर चर्चा होगी, कमेटी तय करेगी क्या करना है,
कमेटी में सब लोग मिलके तय करेंगे और सब लोग मिलके उसको सफल बनाने में ताकत लगाएंगे। तो इस सामूहिकता का जो विचार है, सामूहिकता का जो शब्द है, इसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो संगठनों के अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सामूहिकता है। ये दो जो चीज़ें हैं, वैचारिक केंद्रीयता और सांगठनिक केंद्रीयता, ये दोनों मिलकर के जनवादी केंद्रीयता बनते हैं। ये हो गया थ्योरी, ये मैंने आपको थ्योरी समझाई। मुझे उम्मीद है कि आप थ्योरी को समझ गए होंगे। और वापस हम अब वैचारिक केंद्रीयता है, उसका जो चिंतन प्रणाली है पहला पिलर, उससे दोबारा चर्चा शुरू करते हैं। चिंतन प्रणाली का मतलब क्या है कि हमने किस दर्शन को स्वीकार किया है, हम किस दर्शन के बारे में चिंतन करते हैं, हमारा चिंतन किस तरीके का है, किस विचार का है, हमारे चिंतन की दिशा क्या है, हमारे चिंतन का लक्ष्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक चिंतन बनता है, जिस चिंतन को हम विचारधारा भी कह सकते हैं, हम दर्शन भी कह सकते हैं। जैसे हम सीधे तौर पे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिकवादी दर्शन जो है उसका चिंतन हम करते हैं, उसके विचार की को सोचते हैं, उसके विचार को हम मानते हैं। निष्कर्ष के रूप में क्या है कि हम भौतिकवादी दर्शन को स्वीकार करते हैं। तो चिंतन में यदि हमने भौतिकवादी दर्शन को स्वीकार किया तो फिर भौतिकवादी दर्शन का जो दर्शन है उसके जो विचार हैं उसको हमने स्वीकार कर लिया। यदि हमने उसको स्वीकार कर लिया तो आगे की दिशा हमारा उसी के आधार पर बनेगा, ये हमको समझना है। तो कम्युनिस्टों के बारे में यदि मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट भौतिकवादी दर्शन की विचारधारा के साथ होते हैं, और भौतिकवादी दर्शन जो है उसकी जो विचारधारा, उसका जो राजसत्ता का दर्शन है, वो समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। वो यानी भौतिकवादी दर्शन का जो राजनीतिक राजसत्ता का जो दर्शन है वो समाजवादी व्यवस्था का दर्शन है। यानी भौतिकवादी दर्शन के साथ जो लोग होंगे वो राजनीतिक दिशा में समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की कोशिश करेंगे। अब सामाजिक रूप में आ जाओ तो भौतिकवादी दर्शन के जीवन जीने की पद्धति है। तो जो भी व्यक्ति भौतिकवादी दर्शन को मानेगा वो अपने जीवन जीने की पद्धति में भौतिकवादी दर्शन की जो जीवन जीने की पद्धति है उसको स्वीकार करेगा। अब जीवन जीने की पद्धति जो है इसको थोड़ा सा समझना है साथियों। जो धर्म है, धर्म का मतलब है जीवन जीने की पद्धति। तो इसका अर्थ है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके जीवन जीने की पद्धति, हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके जीवन जीने की पद्धति, उसी तरीके से जो भौतिकवादी दर्शन के लोग हैं उनका जीवन जीने का पद्धति है। मगर हमारे भारतीय दर्शन के अंदर चार्वाक का भौतिकवादी दर्शन था, मगर इस दर्शन के अंदर कोई राजसत्ता का दर्शन नहीं था, या उस समय राजसत्ता थी ही नहीं, तो राजसत्ता का दर्शन कहाँ से होगा। भौतिकवादी दर्शन किसका है? ये आम जनता का दर्शन है, मजदूर, किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित जनता, इसका दर्शन है। तो भौतिकवादी दर्शन का राजसत्ता का दर्शन नहीं था, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए इस दर्शन का कोई पंथ नहीं था। जैसे बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका निरंतर एक पंथ था, जैन धर्म के लोग हैं जब से जैन धर्म पैदा हुआ, महावीर पैदा, उनका एक पंथ था। इसी तरीके से भौतिकवादी दर्शन का पंथ नहीं था हमारे भारतीय दर्शन के अंदर। तो ये जो भौतिकवादी दर्शन है इसका कोई जीवन जीने का जो पद्धति है वो पंथ के रूप में नहीं है। मगर देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो भौतिकवादी दर्शन की पद्धति से अपना जीवन जीते हैं। उसके बाद से जब मार्क्स का दर्शन आया, मार्क्स ने थ्योरियां दी, उसके बाद से हमारे देश के अंदर भी कम्युनिस्ट जो आए और कम्युनिस्टों ने यहाँ काम करना शुरू किया, कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे देश के अंदर भौतिकवादी दर्शन के रूप में आई, तो उसके बाद से साथियों हमें देखते हैं कि ये भौतिकवादी दर्शन के अंदर जीवन जीने की पद्धति का भी विकास हुआ। अभी हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भौतिकवादी दर्शन से अपना जीवन जीने की पद्धति को चलाते हैं, उसको मानते हैं, उसको स्वीकारते हैं। अब इतना हिस्ट्री काफ़ी है। अब मैं भौतिकवादी दर्शन के जीवन जीने की पद्धति पे आ जाता हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना है साथियों। भौतिकवादी दर्शन की जो जीवन जीने की पद्धति है, हम यथार्थ को मानते हैं। मार्क्स ने पदार्थ को प्रमुख माना, हम विज्ञान को प्रमुख मानते हैं, हम साइंस को प्रमुख मानते हैं,
हम प्रकृति के नियमों को प्रमुख मानते हैं। मैंने मार्क्स की थ्योरी पीछे पढ़ा चुका हूं, तो हम इस अंधविश्वास वाला जो चैप्टर है इसको हम नहीं मानते हैं। पहला चीज ये समझना है। दूसरा चीज साथियों समझना है कि जो ये जाति धर्म के नाम पे जो भी स्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर है, जो इस मनुवादी व्यवस्था ने इसको पैदा किया उस धर्म का नाम लेकर के, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को भी हम नहीं मानते हैं। भौतिकवादी दर्शन के लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं मानते हैं। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में मानते हैं, कोई अछूत नहीं है, कोई छूत नहीं है, सब मनुष्य मनुष्य एक हैं, इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इसलिए हम जाति का जो वर्गीकरण है इसको हम नहीं मानते हैं। जातियों का वर्गीकरण मेहनत कस वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए बनाया गया। इसको हिंदू धर्म ने बढ़ाया, वर्ण व्यवस्था को उसको धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए किसी ने पैदा किया। इसको हमको यह भी समझना है कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी ये थ्योरियां हैं, ये थ्योरियों का उद्देश्य लक्ष्य क्या था कि मनुष्य हिंदू धर्म से जीवन जीने की जो पद्धति है उसको स्वीकारें, उसके मस्तिष्क को, उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दिमागदार लोगों ने सारी थ्योरियों को पैदा किया, सारी थ्योरियों को बनाया। इसको भी हमको समझना है। इसलिए हम वापस भौतिकवादी दर्शन के ऊपर आते हैं और ये कहते हैं कि हम जाति धर्म के नाम पे जो भी भेद है, जो भी ऊंच नीच की भावना है, ये कम्युनिस्ट होने के नाते, भौतिकवादी दर्शन का समर्थक होने के नाते हम इस ऊंच नीच की भावना को नहीं मानते। तो भौतिकवादी दर्शन से जीवन जीने का एक पद्धति है जिसके अंदर किसी भी तरीके का बिगाड़ नहीं है, और विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। यदि हम इस चिंतन को स्वीकार लेते हैं तो इस चिंतन के साथ ये सारी चीज़ें स्वतः हमारे साथ जुड़ जाएंगी। जिस विचार का, जिस दर्शन का चिंतन करते हैं, जिस दर्शन को स्वीकारते हैं, उस दर्शन के साथ हमको खड़ा होना है। तो ये साथियों चिंतन प्रणाली हो गई। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि चिंतन प्रणाली में एक रूपता होना चाहिए। जो हमने जिस दर्शन को स्वीकार किया, उस दर्शन के बारे के जो विचार हैं, हम उस पर हम सब लोगों की समझ एक जैसी होना चाहिए। हमारे देश के कम्युनिस्ट इतने सारे गुटों में बटे हैं, इतने सारे अलग अलग ग्रुप बना करके चल रहे हैं। उस ग्रुप का बंटवारे का कारण क्या है कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का आकलन, ठोस परिस्थिति का ठोस आकलन, और फिर रणनीति और कार्यनीति। तो ये परिस्थिति का आकलन सब कोई अलग अलग कर रहा है, उसके आधार पर अपनी रणनीति और कार्यनीति भी अलग अलग बना रखे हैं। तब की होना क्या चाहिए कि जब दर्शन एक है, विचार एक है, मार्क्स की थ्योरी एक है, लेनिन की थ्योरी एक है, तो सारे विचार में एक रूपता होना चाहिए। यानी ये अलग अलग गुट नहीं होने चाहिए, सारा लोग एक ही तरीके का निष्कर्ष में होना चाहिए। तो दूसरा चैप्टर क्या है कि चिंतन की एक रूपता होनी चाहिए। जब दर्शन एक है, सोचने की, चिंतन की समझ एक जैसी है, तो सबका दृष्टिकोण भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण अलग है, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण अलग है। तो दृष्टिकोण में जो भिन्नता है ये गड़बड़ है। इसलिए दृष्टिकोण में भी एक रूपता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। इसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चौथा क्या है, एक ही उद्देश्य के लिए संघर्ष। तो एक ही उद्देश्य के लिए तो संघर्ष कर ही रहे हैं, भले अलग अलग गुटों में है, मगर सबका लक्ष्य क्रांति करना है। क्रांति किस तरीके से करना, वो सब लोग अलग अलग तरीके के रास्ते बता रहे, जबकि ये अलग अलग तरीके के रास्ते बताना भी गलत है। क्योंकि जब विचार एक है, समझ एक है, परिस्थिति एक है, तो हमारा आकलन भी एक होना चाहिए, हमारी रणनीति भी एक होना चाहिए, हमारी कार्यनीति भी एक होना चाहिए। ये थ्योरियां हैं जो कह रही हैं। अब साथियों हम सांगठनिक जो केंद्रिता है उसके बारे में बात करते हैं, और सांगठनिक केंद्रिता की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर वैचारिक केंद्रिता भी शामिल होती है। और सांगठनिक केंद्रिता का सिद्धांत क्या है, सामूहिकता, दोनों शामिल होती हैं जब भी हम सांगठनिक केंद्रिता की बात करते हैं। तो अब शुरुआत कहाँ से होगी, किसी संगठन के अंदर जब हम ये कहते हैं कि जनवादी केंद्रिता का सिद्धांत हम लागू करना चाहते हैं, तो उसका शुरुआत कहाँ से होगा, उसका शुरुआत वैचारिक केंद्रिता से होगा, विचार से होगा, विचारधारा से होगा, जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ।
जैसे उदाहरण के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जिला कमेटी है, उसके अंदर क्या होना चाहिए। नेतृत्व के अंदर सबसे पहली बात हमको समझने को, उसके अंदर उसका वैचारिक चिंतन किस तरीके का है। जो चिंतन सब लोग कर रहे हैं उसी तरीके का चिंतन उसका है कि उसका अलग तरीके का है। तीसरा हमको ये देखना है कि उसका जो चिंतन है उसके बारे में दृष्टिकोण क्या है। चौथा हमको ये देखना है कि उसका जो लक्ष्य है, जो सामूहिक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में उसकी समझ क्या है। यदि हम ये सारा देखते हैं और हम ये पाते हैं कि ये जो चारों बिंदु हैं, चारों पिलर हैं, इसके बारे में उसका सकारात्मक भाव है, एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा फिर आएगा कि सांगठनिक सवालों पे डिस्कशन कैसे होगा। किसी बात के ऊपर निर्णय लेना है तो निर्णय लेने का वेश क्या होगा, वो किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा। या ये कह देंगे कि साहब जो 10 लोगों की कमेटी है, जो बात बहुमत लोगों ने कह दी वही बात सही है, जो हमें कहते हैं कि हम बहुमत से फैसला किया, कमेटी को बुलाया तो सामूहिकता हो गई और उसमें बहुमत से फैसला कर लिया, तो ये हमने जनवादी केंद्रीयता कर ली, तो ये जनवादी केंद्रीयता नहीं है। जनवादी केंद्रीय का अर्थ है कि जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस मुद्दे पर जो हमारा चिंतन है, जिस दर्शन का चिंतन है, उसकी दिशा क्या है, उसके बारे में उस दर्शन की, चिंतन की समझ क्या है, उसके आधार पर उस मुद्दे की समझ कमेटी में रखा जाना चाहिए और उसके आधार पर फिर चर्चा करके उसका निर्णय किया जाना चाहिए। यानी इसमें सामूहिकता होगी, सब लोग मिलकर फैसला लेंगे, मगर इस मुद्दे पे अल्पमत और बहुमत नहीं हो सकता। यदि अल्पमत और बहुमत है तो इसका अर्थ यह है कि जो वैचारिक चिंतन है, सांगठनिक जो तरीके हैं, विचार हैं, दिशा हैं, उनका इनको समझ नहीं है। तो हमारा जिम्मेदारी क्या होगा फिर संगठन का, उनको हम ट्रेनिंग दें, उनको हम समझाएं, उनको विचारधारा के बारे में बताएं, दिशा के बारे में बताएं, सांगठनिक दिशा के बारे में समझाएं, ताकि वो उस समझ के जब उनके दिमाग में आ जाएगी उसके आधार पे वो फैसला करें। तो साथियों इस तरीके से हम सांगठनिक केंद्रीयता की बात करेंगे। संगठन के अंदर किसी भी फैसला लेने के लिए जो वैचारिक केंद्रीयता है उसका परीक्षण करना अति आवश्यक है। उसी आधार पर संगठन के अंदर चर्चा करना, सामूहिक चर्चा करवाना, सामूहिक चर्चा करवाने का मतलब है कि अलग किसी का यदि मत है उस विचार के आधार पर तो उसके मत को करेक्ट करना, उसके मत के अंदर सुधार करना। उस विचार पर सब लोग सहमत होंगे यदि आपने वैचारिक केंद्रीयता को सही तरीके से समझ लिया है। अब मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई भ्रष्टाचार का मामला है, एक कम्युनिस्ट होने का पहला शर्त है कि वो ईमानदार होगा। यदि वो बेईमानी कर रहा है इसका मतलब है कि वो पहली शर्त को ही स्वीकार नहीं कर रहा। इसके बारे में क्या दिशा होगी, विचार के रूप में समझाया जाएगा कि ये गलत किया आपने, इस तरीके से गलत आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, यदि उसने आगे जिस बंदे को समझाया उसने ये कहा कि ठीक है मेरे से चूक हो गई, गलती हो गई, और उसने अपनी आत्मालोचना कर ली और इसने कहा कि हम इसको आगे से रिपीट नहीं होने देंगे, तो वहां से क्या हो गया, दूसरा सिद्धांत जुड़ गया इसी के साथ में कि उसने आलोचना और आत्मालोचना। हम अपनी खुद की गलती का भी, अपना खुद का आलोचना कर सकते हैं, आत्मालोचना कर सकते हैं। किसी हमारे साथी ने भी कोई गलत काम किया है विचारधारा के खिलाफ तो उसकी भी हम आलोचना कर सकते हैं। तो दूसरा सिद्धांत यह आ गया। तो इसके बाद से क्या होगा, उस साथी को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके बाद से आगे वो ऐसा गलती ना करे इसका मौका दिया जाएगा। फिर भी वो गलती करता है, फिर भी बेईमानी करता है, तो उसको फिर चेतावनी देना पड़ेगी कि आपको समझाने के बाद भी आप इसको कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इसके बाद भी नहीं मानता, या उस आदमी को संगठन के उस पद से अलग किया जाए। और इसमें कोई अल्पमत और बहुमत का सवाल नहीं होगा, और इसमें कोई बहुमत में होगा नहीं, उसके पक्ष में कोई नहीं होना चाहिए। यदि उसके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी चेतना भी वैचारिक रूप से कमजोर है। विचारधारा को, सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझने का साथी जरूरत है। एक उदाहरण और देता हूं, जैसे बहुत सारे साथी हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ हैं और साथ में वो समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य के साथ भी हैं,
मगर वो जातिवादी व्यवस्था को मानते हैं और वो अपनी जाति की पंचायत को प्रमुख मानते हैं। जो उनकी जाति का संगठन है उसके अंदर भी वो पदाधिकारी हैं, वो जाति की पंचायत में सबको इकट्ठा करते हैं। अब ऐसा सवाल है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो इसका अर्थ क्या है कि वो वैचारिक रूप से गलत करता है, क्योंकि भौतिकवादी दर्शन के अंदर समाजवादी व्यवस्था का जो दर्शन है वो ये बताता है कि जो जातिवादी व्यवस्था है, ये जो जातियों का वर्गीकरण है, ये मेहनत कश की एकता को तोड़ता है। इसलिए जितनी ज़्यादा ये मजबूत होगा उतनी ज़्यादा मेहनत कश वर्ग की एकता टूटेगी। हमको मेहनत कश वर्ग है जो उसके अंदर जो जाति व धर्म की चेतना लेके आते हैं, उसको मेहनत कश वर्ग की चेतना उसके दिमाग में डालनी है। यदि हमारी समझ में ये आ जाए वैचारिक रूप से करना गलत है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जो उच्च नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी है कि चेतना हमारा हमको समझाएं वो सही तरीके से कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नंगे रूप में ये समझाएं। मेरे हिसाब से तो एक विधिवत एक बड़ा दस्तावेज बनाना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल एक एक चीज को अंकित करना चाहिए, लूप होल से नहीं होने चाहिए, एक दिशा समझ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पष्टता होगी उतनी ज़्यादा ये सांगठनिक झगड़े विवाद नहीं होंगे। तो इस तरीके से साथी हमको वैचारिक सवालों को समझना है। आंदोलनों में भी यही समझ, आंदोलनों की दिशा क्या होनी चाहिए। जैसे हम ट्रेड यूनियंस में काम कर रहे हैं, हम कारखानों के मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, हम निर्माण मजदूर के बड़ी यूनियन चला रहे हैं, निर्माण मजदूरों को हम बहुत सारा इतलाब दिला रहे हैं, किसान जैसे राजस्थान में किसान संगठन बहुत मजबूत है जो किसानों को कई करोड़ों रुपये वो उसमें दिलाते हैं जो फसल बीमा क्लेम में, और भी बड़ा बड़ा आंदोलन कराते हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब किसानों के लिए कर रहे हैं। तो ये अच्छा बात है कि उनके लिए संघर्ष करें, मगर क्या यही लक्ष्य है? क्या इसी से किसान की मुक्ति होगी? हमने थोड़ा सा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा लिया तो किसान का मुक्ति हो गया, या हमने उसको फसल बीमा दिला दिया तो किसान का मुक्ति हो गया? क्या इतना ही हमारे लिए काफ़ी है? इतना काफ़ी नहीं है। यदि हमारा इतना ही समझ है तो हमारा समझ में कमी है। तब की समझ क्या कि उसके इस मुद्दों के साथ हम लड़ेंगे, मगर हमको असल बात जो समझानी है, जो दर्शन है भौतिकवादी दर्शन है, जो वैचारिक लड़ाई है, जो राजसत्ता का दर्शन है, जो दुनिया से ऑपरेट हो रहा है, उसकी बात भी उनको समझाना चाहिए। राजनीतिक रूप से भी उनको हमको चेतना जागृत करनी चाहिए, उनको हमको समझाना चाहिए असल लड़ाई क्या है और असल समाधान परमानेंट समाधान कैसे निकलेगा। तभी उनको समझ में आएगा कि इस लड़ाई के साथ में हमारा असल राजनीतिक लक्ष्य क्या है। राजनीतिक लक्ष्य हमको हमारा व्यवस्था बदलना है। इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर किसी भी स्तर पर मजदूर का किसान का दुर्दशा होगा, ये सुनिश्चित है। समाजवादी व्यवस्था के अंदर मजदूर किसान का वो राजसत्ता होगा और उसके अंदर मजदूर किसान का दुर्दशा नहीं होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो हमको उसको किस ओर ले जाना पड़ेगा, उसकी लड़ाई लड़ते हुए राजनीतिक चेतना पैदा करते हुए वैचारिक रूप से हमको उसको समाजवादी व्यवस्था की राजनीतिक सत्ता का जो दर्शन है उसकी तरफ ले जाना पड़ेगा। यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये सारा काम व्यर्थ है। ट्रेड यूनियनों के अंदर भी यही है। ये ट्रेड यूनियनें खूब लड़ाई लड़ती हैं, कोयला में, LIC में, सरकारी विभागों में खूब बड़े बड़े समझौता कराती हैं, मगर राजनीतिक रूप से चेतना को पैदा नहीं कर पाते। अगर हम राजनीतिक रूप से उनकी चेतना को पैदा नहीं कर पाते तो ये हमारा आंदोलन, ये हमारी लड़ाई, ये हमारा संघर्ष ये व्यर्थ है। ये हमारे नेतृत्व के अंदर समझ होनी चाहिए, नेतृत्व को हमको ये अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। तो इस तरीके की दिशाएं हैं साथियों, हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम मजदूर किसान शोषित पीड़ित जनता की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे हमको पूरी ताकत के साथ में मजदूर किसान शोषित पीड़ित जनता के एकजुट करने में, उनको समझाने में, उनकी चेतना को बढ़ाने में लगाना चाहिए। इस तरीके से साथियों वैचारिक दिशाएं हैं सारी। वैचारिक दिशाएं क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, तो संगठन के अंदर भी स्पष्टता होगी। संगठन के अंदर जब हम सांगठनिक निर्णय करेंगे तो उनके अंदर भी हमारी एकजुटता होगी, स्पष्टता होगी तो एकजुटता होगी, वो एकजुटता होगी तो हमारे अंदर ताकत पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, हमारे संगठन मजबूत होंगे, हमारे आंदोलन मजबूत होंगे, लोग दिल से जुड़ेंगे।
जब तक ये वैचारिक समझ डेवलप नहीं होगी लोगों के अंदर, तब तक लोग दिल से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए जनवादी केंद्रीयता का सवाल का पीछे का जो सबसे प्रमुख बात है, जो नेतृत्व को अच्छी तरीके से समझना है कि उनको कैडर के अंदर वैचारिक केंद्रीयता के जितने भी फीचर्स हैं उनको उनके दिमाग में सही तरीके से डालना है। वैचारिक जो भी दिशाएं हैं, भौतिकवादी दर्शन क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ये सारी थ्योरियां हमको अच्छी तरीके से सचेतन रूप से कैडर्स को समझानी है, इस तरीके से उनको पढ़ानी है, बतानी है, ताकि उनके दिमाग में अंदर तक घर कर जाएं, उनकी चेतना में वो आ जाएं, ये कोशिश करना नेतृत्व का काम है। इसलिए साथियों, वैचारिक केंद्रीयता और सांगठनिक केंद्रीयता मिला करके जनवादी केंद्रीयता बनती है, इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पूरा बहुत सारा समझाने का कोशिश किया, आप इसमें से कुछ चीज़ें तो समझ गए होंगे। अब साथियों, मैं क्या करता हूँ कि आगे एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा इसके आगे, जिसके अंदर मैं नंगे रूप में कुछ मुद्दों पर बात करूँगा, ताकि उन मुद्दों के बारे में हमारे साथियों के दिमाग में स्पष्टता आ जाए, वैसे ही ताकि बेसिक चीज़ें आप समझ सकें। तो अब ये थ्योरी का जो वीडियो, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप थ्योरेटिकल चीज़ें सारी समझ गए होंगे, और इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपसे अपील करता हूँ कि इसके आगे जो वीडियो डालूँगा उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं बात करूँगा। तो धन्यवाद साथी, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपसे अपील है करते हैं कि यदि आपने दर्शन सीरीज के वीडियो ना सुने हो तो हमारी चैनल के प्ले लिस्ट पर विजिट करें, दर्शन फोल्डर को ज़रूर खोलें, ऋग्वेदिक काल से हमने कवर किया है उसके सारे वीडियो समय निकाल के सुने, बहुत मज़ा आएगा। और अभी जो ये 8-10 वीडियो इसके आगे हैं उनको तो ज़रूर सुने, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें तो उसको आप सुन सकें, समझ सकें, और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।